एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम आप बात करेंगे जो ईसीएस टी टेन बल्गेरिया का आज के दिन का मैच नंबर वन होगा, जो खेला जाएगा बीएससीसी सोफिया स्पार्टन्स वर्सेस सीसी यूलिस एमयू टर्किया के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, ये जो वीडियो है आपको पूरा वॉच करना है अच्छे से। और उससे भी ज़रूरी काम, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल जो नहीं किया है, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, टेलीग्राम चैनल को आपको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होने के दो बहुत ही सिंपल तरीके हैं, एक तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में भी सबसे पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो दोनों जगह से आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने कैसे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपको डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करना है तो आप मोर कर जो टाइटल में मोर का बटन है ना, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे, वहां पर आपको ब्लू कलर का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कमेंट सेक्शन से ज्वाइन करना है तो आप कमेंट्स पर क्लिक करोगे तो जो सबसे पहला कमेंट आएगा उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसी के साथ आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो मिल जाएगी और वीडियो को लाइक भी कर देना। अभी यहाँ पर बात करते हैं मुकाबले के बारे में। तो ये मुकाबला स्टार्ट होगा सुबह 11 बजे, सेम ग्राउंड पर खेला जाएगा, आर्टिफिशियल विकेट है, एवरेज स्कोर हाई बनता है यहाँ पर। 36 मैचेस हो चुके हैं, 16 जीते हुए बैटिंग खर्च करने वाली टीम ने 14 मैच चेज हुआ है। इसका क्या मतलब है यहाँ पर कि देखो टॉस का कोई खास इंपॉर्टेंस यहाँ पर रहता नहीं है। पहले बात करेंगे एसएसपी की टीम की, इनकी टीम का ये पहला मुकाबला होने वाला है। कल भी इनके मुकाबले थे लेकिन बारिश की वजह से नहीं हो पाए थे। केविन डिसोजा और कुशल कृष्णा कुमार यहाँ से ओपन करने चाहिए। केविन डिसोजा बहुत अच्छा प्लेयर है, अगर खेलता है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 27 टी टेन में 522 रन 34 का एवरेज, 0 विकेट है 5 ओवर डाल के, और 2022 में 6 मैच में 139 रन 34 का एवरेज, 0 विकेट है 1 ओवर डाल के। कुशल कृष्णा कुमार के नाम ओवरऑल 7 मैच खेला है क्लब के लिए, 218 रन है 109 का एवरेज और 4 विकेट है 8 ओवर डाल के, बहुत अच्छा सीवीसी का चॉइस ये भी रहेगा। इवा येलो कथजर्स की है, इसने ओवरऑल 20 टी टेन में 111 रन किए, 7 विकेट है 20 ओवर डाल के, मतलब बॉलिंग इसको कम मिलती है ये बात आप ध्यान में रखना। और 2022 में 5 मैच में 12 रन 1 विकेट है 2 ओवर डाल के। केविन जॉर्ज है, 15 टी टेन में 10 रन 5 विकेट है 13 ओवर डाल के, ओवरऑल क्लब के लिए 22 मैच में 131 रन 14 विकेट है 45 ओवर डाल के, ये भी ठीक ठाक सा ही बॉलर है। एल्बिन जेकब एक अच्छा प्लेयर मेरे को यहाँ पर लग रहा है, 27 टी टेन में 54 रन 21 विकेट है 35 ओवर डाल के, और 2022 में 6 मैच में 5 रन 3 विकेट है 5 ओवर डाल के, ये 2 ओवर डालना चाहिए। अली रसूल बहुत अच्छा बॉलर है, 17 मैच में 15 विकेट है टी टेन में, 2022 में 6 मैच में 4 विकेट है 9 ओवर डाल के। ब्रेडली कॉन्स्टाइन, अब इसको दिया हुआ है यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में, लेकिन इसका काम है बॉलिंग करवाना, 20 मैच में 8 विकेट है 19 ओवर डाल के, और ओवरऑल 14 मैच में 9 विकेट है 22 ओवर डाल के। डेलरिक विन्नू के नाम 26 मैच में 19 विकेट है 37 ओवर डाल के, और 2022 में 6 मैच में 3 विकेट है 4 ओवर डाल के। जैक मैथ्यू 10 टी टेन में 0 विकेट है, कोई इसने मतलब 4 ही ओवर डाले हैं, हालांकि क्लब लेवल पर 15 मैच में 12 विकेट है। और दनिश रोशन के नाम 5 मैच में 24 रन 1 विकेट है, एबल जॉर्ज का कोई रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है ना वो है केविन डिसोजा, कुशल कृष्णा कुमार, इसके अलावा एल्बिन जेकब, अली रसूल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आप ब्रेडली कॉन्स्टाइन और केविन जॉर्ज में से किसी एक के साथ जा सकते हो, और डेलरिक विन्नू भी ठीक ठाक प्लेयर है। बाकी बेंच पर जो प्लेयर है उसमें प्लेयर है गियोडी लिंच, जिसके नाम डोमेस्टिक टी ट्वेंटी में 4 मैच में 24 रन 0 विकेट है 3 ओवर डाल के, और ओडीडी में 6 मैच में 137 3 विकेट है। और जिनसन जोन डोमेस्टिक टी ट्वेंटी में 6 मैच में 127 9 विकेट है, और ओडीडी में 9 मैच में 52 रन 11 विकेट है, अगर खेलता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो प्लेयर हैं इनके रिकॉर्ड मेरे को अभी तक नहीं मिले, और जो मिल रहे हैं वो मैं श्योर नहीं हूँ कि भाई सही हैं या गलत हैं, इसलिए मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा हूँ। टीआरके की जो टीम है, लास्ट के 6 के 6 मुकाबले इनकी टीम हारी है। लास्ट मैच में ओपन किया था माजिद अली और अब्बास जाहिदी ने, मजीद अली को इनको लगातार इन्होंने मौका दिया है ओपन में, लेकिन कुछ खास किया नहीं है इसने, 1-9-1-13 नॉट आउट 0-9 है। अब्बास जाहिदी के नाम लास्ट के 6 मैचेस में 1 विकेट से, ये भी लगातार 2-2 ओवर डाल रहा है, बल्ले से 4-5-11-4 है। वालिद खान है, लास्ट के जो 6 मैचेस है उसमें विकेट 2 हैं, लेकिन लगातार 2-2 ओवर डालता है और वन डाउन बैटिंग भी करता है, बल्ले से 10-3-28 नो डाउट 27-0-0 हैं। जयेश सोलत हैं, ये भी लास्ट के 4 मैचेस से लगभग 1 ओवर तो हर मैच में डाल रहा है, लास्ट के 6 मैच में 1 विकेट है, बल्ले से यहाँ पर 63-6-17-0-39-5 है। अब्दुल खान आएंगे यहाँ से, लास्ट के 6 मैचेस में इसके नाम भी 3 विकेट्स हैं,
और बल्ले से यहाँ पर 1, 5 नॉट आउट, 2, 16 हैं। इब्राहिम भट्ट बिल्कुल अच्छा रिकॉर्ड नहीं, एल मुख्तार 2 और 0 रन है, कुछ खास नहीं किया। एन इब्राहिम का खास रिकॉर्ड नहीं है। देव पटेल के नाम लास्ट के 6 मैचेस में यहाँ पर 4 विकेट है, बल्ले से 5, 26 नॉट आउट, 1 रन की बारी है। आर्यन के नाम कुछ खास रिकॉर्ड नहीं, रिजवान अली के नाम भी बिल्कुल खास रिकॉर्ड नहीं। तो यहाँ से जो प्लेयर पिक करने लायक है वो हैं अब्बास जायदी, वलीद खान, जैयद सोलत, अब्दुल खान और देव पटेल। बाकी बेंच पर जो प्लेयर है संचित सैनी, इनको लास्ट मैच में लाइनअप में आए थे और इनके नाम भी बहुत खतरनाक रिकॉर्ड है अगर खेलते हैं तो। लास्ट के जो 6 मैचेस हैं वहाँ पर आप देख सकते हो 6 विकेट्स हैं और बल्ले से 28, 44, 11, 4, 37, 0 हैं। बाकी और कोई प्लेयर का चांसेस कम है। यहाँ से स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे वलीद खान, देव पटेल, अब्दुल खान। डेथ में आएंगे वलीद खान, जयद सोलत, अब्दुल खान। एनालिसिस वाला पार्ट जो था इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। बात करूँ मैं यहाँ पर डेमो टीम की, उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ भाई, ये सिर्फ डेमो टीम है। फाइनल टीम जो है ना T10 में पूरी डिपेंड होती है बैटिंग ऑर्डर के ऊपर। तो इसीलिए आपसे बोलूँगा कि टेलीग्राम चैनल को आपने अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया तो आप जल्दी से कर लो। ज्वाइन होने का तरीका बहुत ही सिंपल है। एक तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा, क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल टीम, न्यू प्लेयर्स के स्टैट्स और ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर मिलने वाला है। यहाँ पर मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से बी कॉन्स्टेंटन और जे सोलत को रखा है, और बॉलिंग बैटिंग सेक्शन से डेलरिक विन्नो, केवन डिसोजा को रखा है। ऑलराउंडर सेक्शन से एल्विन जैकब, देव पटेल, के कृष्णा कुमार को रखा है, और बॉलिंग सेक्शन से अली रसूल, वलीद खान, अब्दुल खान, ए जायदी को रखा है। कैप्टन के कृष्णा कुमार, वाइस कैप्टन देव पटेल। लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पे ही आपको मिलेगी। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।